अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज एक और अपडेट आपसे शेयर करनी है जो कि यूएई से रिलेटेड है, और वो ख़बर क्या है कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात में आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एनओसी के बग़ैर हासिल कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ को सुनाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो न्यूज़ की डिटेल की तरफ हम चलते हैं। तो ये न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए है जिनको पहले जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अपने जो ओनर्स होते थे उनसे जो है वो परमिशन लेना होती थी, एनओसी लेना होती थी। ये न्यूज़ उन तमाम लोगों के लिए है कि अब वो एनओसी जो है वो परमिशन जो थी वो ख़त्म कर दी गई है, और ये कानून जो है वो यूएई में इस वीक से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जितने भी कम आमदनी वाले वर्कर हैं उनके लिए इससे जो है वो इम्कानात बढ़ जाएंगे मुलाजमत के, और उनके लिए अपनी आमदनी में इजाफ़ा करना आसान हो जाएगा। इससे कबल जो था वो सिर्फ 66 जो हैं वो प्रोफेशंस ऐसे थे जिनको जो है वो अपने ओनर से एनओसी के बग़ैर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की परमिशन थी, लेकिन अब जो है वो हर किस्म के वर्कर को, चाहे वो वेटर हो, कोई घरेलू मुलाजिम हो, कोई दुकानदार हो, या कोई भी ब्लू कॉलर जो है वो वर्कर हो, तो उसको जो है वो ये परमिशन है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है बग़ैर किसी भी एनओसी के। और ये एक न्यू रूल है जो कि सबके लिए बना दिया गया है कि बग़ैर एनओसी के आप अब जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस बात का ऐलान जो है वो दुबई की जो आरटीए डिपार्टमेंट है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने किया है, और जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनको उन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया है।